छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला का पठार क्षेत्र, पहाड़ क्षेत्र। वैसे तो जसपुर जिला के पहाड़ क्षेत्र में अधिकतर पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, यादव, नगीसिया और उरांव जनजाति के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं। इन दिनों पहाड़ क्षेत्र में साल पेड़ से जो सरई फल को प्रोसेस कर बाजार में बेचने का काम किया जा रहा है। आइए इस वीडियो में पहाड़ क्षेत्र में सरई को कैसे प्रोसेस कर मार्केट के लिए तैयार किया जाता है, यही देखने को मिलेगा कि पहाड़ क्षेत्र के लोग क्या करते हैं इन दिनों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हूं मैं सोगुड़ा और केसरा के बीच में, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश की वजह से पूरे खेत में पानी आ गया है। इतना तेज़ बारिश हुआ फ्रेंड्स आज जसपुर क्षेत्र में कि बहुत देख सकते हैं खेत में बहुत ज़्यादा पानी हो गई है। मैं यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग सूखा राहत की स्थिति आ गई थी, लेकिन ये बारिश आने से पूरा खेत में लबालब भर गए हैं पानी, आप देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, इस जंगल के ऊपर से पूरा बाढ़, जो बोलते हैं हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है और पूरा खेत में, इसको बोलते हैं चौरा खेत में पूरा पानी भर गया है। अभी किसान के चेहरे में लगभग खुशी तो लगभग आ ही गई होगी किसानों के चेहरे में, क्योंकि बहुत दिन से बारिश की आस लगाए आसमान को ताके हुए बैठे हुए थे, लेकिन आज इतना तेज़ बारिश गिरा कि पूरा खेत में लबालब पानी आ गया है। अब जोत सकते हैं, कोर सकते हैं और बीज उगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो किसानों के चेहरे में खुशी का माहौल, खुशी का वातावरण तो लगभग बन ही गया होगा। आप देख सकते हैं मैं पूरा रेनकोट पहन लिया हूँ, पिछले साल का रेनकोट को ही मैं निकाला हूँ फ्रेंड्स, और देख सकते हैं आप, और बारिश से तो बच गया हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदा बूंदी चल ही रही है। इस साइड पेड़ जंगल का पानी आ रहा है, तो इसीलिए इधर भरे हुए लबालब, और इस साइड देख सकते हैं आप, इधर कम है क्योंकि इधर बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है। इस टाइप से यहाँ पे नज़ारा है, इस टाइप से सीन है। बाकी आज का दिन दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आज का दिन कैसे रहेगा, बाकी हमारे वीडियो में बने रहिए। आज का पूरा दिन का दर्शन नज़ारा पूरा दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं सोगड़ा और केसरा के बीच में, एक नदी है फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि नदी में किस टाइप से बाढ़ है, किस टाइप से पानी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो नदी जो बह रही है, ये नदी है, और देख सकते हैं किस टाइप से पानी है, जंगल का मिट्टी वाला पानी है। ये पहली बारिश में लगभग इस टाइप से पानी रहता है नदी में, और बहुत ज़्यादा बह रही है नदी में पानी। इससे पहले जब हम लोग इससे गुजर रहे थे तब बहुत कम पानी था और साफ पानी था, अभी पूरा मिट्टी वाला पानी, मिट्टी वाला कलर का पानी अभी बहते हुए इस नदी में। आप देख सकते हैं नदी में बहुत तेज़ पानी उतर रही है, बहुत इस टाइम का जो पानी होता है बहुत पहाड़ी वाला एरिया में बहुत स्पीड में पानी बहता है, दिखता है बहुत कम पानी लेकिन बहुत स्पीड में पानी बहता है। इस टाइप से यहाँ का नदी का नज़ारा है। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी सोगुड़ा के यह छोटा सा बाज़ार में, और मैं यहाँ से केला ले रहा हूँ। केला कैसे चाचा, कैसे किलो? 30 रुपए किलो में चाचा दे रहे हैं मुझे केला की सब्ज़ी। आज मैं हरी सब्ज़ी केला के रूप में बनाऊँगा आज, आप देख सकते हैं, ये है हरी हरी केला। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं इंदा घाट के पास, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आम का पेड़ था बड़ी सी, वो कैसे उखड़ गई है आंधी तूफान की वजह से। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पेड़ थी आम की, ये कैसे उखड़ गई है और टूट गया है, देख सकते हैं। ये पहली बारिश में लगभग इस टाइप से होता है, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आता है और इस टाइप से पेड़ को नुकसान करता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पेड़ थी जो उखड़ के गिर गई है ज़मीन में। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं करदना पाठ में, और हमारे क्षेत्र में फ्रेंड्स सरई बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये सरई का प्रोसेस मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सरई का पेड़ होता है फ्रेंड्स, पेड़ से
जंगल से लेके आते हैं सरई का बीज, उसके बाद में किस टाइप से प्रोसेस करते हैं उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सरई से क्या क्या बनते हैं वो तो बाद में पता चलेगा, पहले सरई का प्रोसेस दिखाते हैं। ये है सरई, पेड़ से गिरा हुआ सरई है, इसको ग्रामीण जलाते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये करदना पाठ का एरिया है और यहाँ का लोग आजकल सरई बीज उठा रहे हैं, जंगल से लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सरई का बीज है, उसके बाद इसको जला के इस टाइप से किया गया है, उसके बाद में इसको इस टाइप से अपने क्षेत्र में दर्राना बोलते हैं, दर्रा थी जो ये दर्रा थी इसने दर्राते हैं इस टाइप से, और इसको लकड़ी से पीटते भी हैं ज़ोर ज़ोर से, जो ताकतवर जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से पीटते भी हैं। नहीं दादी पीटे नहीं, बाकी ऐसे भी किया जा सकता है इस टाइप से। इस टाइप से मेहनत किया जाता है, उसके बाद में इसको हवा के माध्यम से इसका जो बाकी जो चीज़ है उसको निकाला जाता है, उसके बाद ओरिजिनल सराई का बीज इस टाइप से निकाला जाता है। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है, ये देखिए वो एक चाचा है यहाँ पे, वो हवा के माध्यम से गंदगी को साफ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं इनके पास ले चलता हूँ। ये देखिए हवा के माध्यम से ऐसे निकाल रहे हैं ऊपर का छिलका को। इस टाइप से प्रोसेस होता है ये सरई बीज का, जो गांव में इस टाइप से निकालते हैं। उसके बाद जो कचरा निकला नहीं होता है वो एक माँ है वो इस टाइप से निकाल रही है यहाँ पे सारी ऊपर का गंदगी को। इस टाइप से निकाल के इसको मार्केट में बेचा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सरई बीज से पहले तो गांव में खाया भी करते थे सरई बीज को ना दादा ना चाचा, पहले खाते थे ना इसको। हाँ, इसको क्या उबाल के खाया भी जाता था, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं खाते हैं ना, क्योंकि खाते भी हैं अभी नहीं खाते हैं लगभग। बाकी इससे से साबुन बनता है, इससे डालडा बनता है और बहुत सारे चीज़ बनते हैं इससे, जो कि कंपनी में जाती है, फैक्ट्री में जाती है सरई। सो फ्रेंड्स, ये करदना पाठ का जो एरिया है, इसमें पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं और ये लोग जो सरई का काम कर रहे हैं, सरई प्रोसेस का काम कर रहे हैं, ये लोग भी पहाड़ी कोरवा जनजाति से रहे। चाचा, अभी जो नौकरी लगा है पहाड़ी कोरवा लोग का लगा है, ये बस्ती में किसी का लगा है क्या? किसी को यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ का नहीं लगा है, हर्रा पाठ का लगा, हर्रा पाठ वाले का लगा। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? हाँ, तो नहीं गए थे उस दिन? नहीं लाए थे नौकरी। तो नहीं जाई रहन का उस दिन, जिस दिन बोले रहन सके से दिन जसपुर जाई रहे। हाँ हाँ, तो रिजेक्ट कर दिला उम्र करके। अच्छा, कितने कितने पढ़े हनुमान? पांचवी दसवीं मन पढ़ी हैं क्या? ऐसा। ये देख सकते हैं करदना पाठ एरिया में कोरवा, पहाड़ी कोरवा जनजाति का घर इस टाइप से होता है। ये अभी यहाँ पे ईटा के मकान तो बनाए जा रहे हैं, इस टाइप से बैल रखने की जगह है, इसको बोलते हैं गुहार हमारे क्षेत्र में। ये मचान है, आप देख सकते हैं पवाल ऐसे रखते हैं। सरई सरई ना, हरा सरई से को कहते हैं। ये रखने की चीज है, इसको बोलते हैं पाछी।
पाथी के अंदर रखा गया है सरे बीज को। एक जैसे कि हाथी मन में आवेल जावेल कि नहीं है इन्हें आवेल जावेल हे महा पे आवेल जाए लोग नहीं नहीं हाथ आवेल मुंह रोडे महा पे आवेल रोडे पार भी जी कौन मुखा था। हां और हानि काका पहुंचाल खाती मन के खाई रखे और घर में के तो रखता छल घर के तो खले ना ना धंधा से नहीं धसल ने आगे पखा घर वाला मन करके धाई से धासला के आगे घेरा के। अच्छा उकर मुआवजा मन मिल रहेगी सरकार से नहीं खाया मिलल तो सरकार पटवारी में नहीं लिखलन नहीं खाया लिखा लन खा जो लिखवाई रहे तो नहीं खा तो बकरी कहां जाए के लग दीवार माटी। अच्छा दीवार माटी धसला खाने बकरी के धस दल। अच्छा और पानी कहां पियो रहा पानी पानी है बोर के बोर है के ठने हां है। अच्छा पानी हमेशा अवेल नहीं जगह पानी हां प्लेट कर माध्यम मास ने हां है बदल पानी में कट नहीं आवे। बाकी कुआं वगैरह रखे नहीं कुआं है के लिए हम पेड़ थे कितना गढ़ा में कुआं है नहीं कितना गढ़ा कितना नीचे पानी गढ़ा तो बांस पूरा डूब गया बांस डूब गया बहुत गहरा है मतलब बहुत गहरा पानी तो मीठा है कि हाँ तो बढ़िया पानी है। अच्छा ठीक नहीं हम इस वक्त हैं पहाड़ क्षेत्र में और देख सकते हैं पहाड़ क्षेत्र में पानी आना चालू हो गया है। ये है जसपुर की खूबसूरती। हमारे जसपुर विधायक हमेशा बोला करते हैं कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है जसपुर, सुंदर जसपुर, ऐसा कुछ डायलॉग मारते हैं। यही सब बोल के देख के हमारे जसपुर विधायक का डायलॉग भाषण के स्टार्टिंग में ही रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आप देख सकते हैं पता नहीं जसपुर में पानी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इस पहाड़ क्षेत्र में झमाझम बारिश गिर रहा है। आप देख सकते हैं पूरा काले काले बादल हैं आसमान में भी और बहुत ज़्यादा गिर रहा है बाढ़ क्षेत्र में पानी। सो फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग का हर्रा पार्ट का यह दौरा समाप्त होता है और आप देख सकते हैं बारिश भी चालू हो गई है। हम लोग निकल चुके हैं अभी करीब 4 बज चुके हैं और हम लोग ने जहाँ से वीडियो शुरू किया था वहीं पे वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके गाइज मिलते हैं बहुत जल्द नया स्टूडियो में।